शाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कौन तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कौन सरकार जाग जाओ, जाग जाओ, जाग जाओ। कौन इंतजामिया जाग जाओ, जाग जाओ, जाग जाओ। रेत वालों को अपना हक दो, हक दो, हक दो। टिप्पर वालों को अपना हक दो, हक दो, हक दो। कान खानी को अपना हक दो, हक दो, हक दो। कोविड पिछले दो सालों से एक भी नेशनल प्रोजेक्ट या मेगा प्रोजेक्ट के तहत इनका राइट इनसे नहीं छीना जा सकता था। अगर देखेंगे दूसरे स्टेटों में इनका जो माइनिंग राइट है, दूसरे स्टेटों ने अपने लोगों के लिए 50% से ज्यादा शेयर रखा है, जबकि यहाँ पर हमारे लोगों का ना टेंडरिंग में पार्टिसिपेशन होगा और जो इनका बेसिक राइट था उसके वो राइट उनसे छीना गया। गर्ज यह है कि अगर आप देखेंगे कि इस तिजारत से जुड़े हुए लोग सब बेरोजगार हो गए हैं। गुंडागर्दी चिलाई जो पॉलिसी हम जब मानते हैं कि वो एंटी पीपल पॉलिसी है, और इस इंस्टीट्यूशन से, इस सनत से जुड़े हुए तिजारतकार लोग जो भी हैं उनके खिलाफ ये पॉलिसी है। पहले तो उन्होंने एक ऑक्शन किया उस टाइम जब कि जम्मू कश्मीर सारा बंद पड़ा था, ना कोई नेटवर्क की सुविधा थी, ना कुछ था। उन्होंने किसी कारण यहाँ पर ये जो ऑक्शन माइनिंग की हो गई है वो गलत तरीके से हुई है, जिसमें जम्मू कश्मीर की आवाम को महरूम किया गया, दूर रखा गया, उनकी पार्टिसिपेशन इस में नहीं हुई। और दूसरी तरह इन्होंने जिस बंदों को बाहर से जो आए हुए हैं, जिनको ये माइनिंग का लीज दिया है, वो सारा इलीगल है, और आज जो भी एक्सट्रैक्शन हो रही है इलीगल हो रही है, एक माफिया बन गया है उनके थ्रू बजरिए, वो यहाँ के लोगों को उसका हफ्ता और उसका मुआवजा ले रहे हैं। और जो भी आजकल स्काई रॉकेटिंग प्राइसेस हो गई है, ये उसी का एक असर है। और जहाँ तक जम्मू कश्मीर के बाशिंदों का, आवाम लोगों का मानना है कि आज आप देख रहे हैं इस प्रोटेस्ट में यहाँ पर क्वारी वाले हैं, टिपर वाले हैं, बजरी वाले हैं, रेत वाले हैं, ट्रांसपोर्टर्स हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, इन सबों की रोजी रोटी मुतासर हो गई है। मजदूरों का अपना हक, जॉर्जी एंड माइनिंग, जॉर्जी एंड माइनिंग, रेत वालों का अपना हक दे दो, हाँ।